हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं जैमिनी यानी मिथुन राशि के लिए फरवरी 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होगी। यहां मैं कार शफल करूंगी, आप चाहे तो कार की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टेम्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं जैमिनी आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ टैरो डेक के साथ देखें तो आपके लिए यहाँ कार्ड आया है एट ऑफ कप्स। तो मे बी आप में से कुछ कपल्स के बीच में अभी कुछ हुआ है, कुछ कपल्स के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की एनर्जीज है और इसीलिए आप काफी परेशान लग रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ, यानी कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। और काफी परेशानी भरा समय आपने अभी तक देखा है और इसी वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग और नाइटमेयर्स वाली फीलिंग्स आप लोगों की यहां दिख रही है जैमिनी। कुछ जैमिनी के लिए डेफिनेटली इसी तरह की फीलिंग है। अगर आप सिंगल भी हैं तो काफी परेशान चल रहे हैं और काफी टाइम से आप वेट कर रहे हैं सही प्रपोजल का। और वैसे आपके पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने को, पर आपकी विश जो है, जो डिजायर है आपकी, आपको कहीं ना कहीं वही मिस लग रही है। इस तरह की आपकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है, पर यहाँ आप देख रहे हैं फुल मून डे, तो फुल मून डे तक आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा गॉड पे फेथ रखें आप, ये जो वेट है बहुत जल्द खत्म होगा आपके लिए। यहाँ आपके पार्टनर की या पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें तो डेविल की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन यहाँ, कुछ जेमिनी के पर्सन या पार्टनर यहाँ उनको कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड यहाँ नजर आ रहे हैं, उनका एंगर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इशू है। उनका कंट्रोलिंग नेचर और थोड़ी सी उनकी डोमिनेटिंग नेचर दिख रही है और लस्टफुल बिहेव उनका यहाँ दिख रहा है। और ये जैमिनी आपके पर्सन की एनर्जी आई है, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, पर वो आपसे काफी फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी से और इस तरह की एनर्जीज यहाँ उनकी दिख रही है। तो ये भी रीजन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनका कंट्रोलिंग नेचर या लस्टफुल बिहेव बहुत ज्यादा, वो कह सकते हैं यहाँ मटेरियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। कुछ जैमिनी के लिए ऐसा यहाँ एनर्जीज आई है, पर यहाँ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो फरवरी के मंथ में आपकी किस्मत बदलने वाली है और बहुत सारा गुड लक आप अपने लिए अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे उनका एंगर इश्यू हो या कोई उनका कंट्रोलिंग बिहेव हो या उनके एंगर इश्यूज हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही है वो बहुत जल्द ठीक होगी, क्योंकि किस्मत का पहिया घूमेगा और लक आपको फेवर करने वाला है। आप अपनी एट ऑफ कप्स वाली स्थिति से बहुत जल्द निकलेंगे और किस्मत या कहें कि लक आपको काफी फेवर करने वाला है फरवरी के मंथ में। और यहाँ आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस। तो जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो सैजिटेरियस हो या आप ऑलरेडी किसी सैजिटेरियस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, यानी धनुराशि के आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ आप डिवाइनली काफी गाइडेड लग रहे हैं, तो डिवाइन गाइडेंस यहाँ आपकी हाई लग रही है और ऐसा लग रहा है कि रिश्ते आपके पर्सन जो है वो बैलेंस करते हुए दिखेंगे। स्पेशली फरवरी के मंथ में उनकी तरफ से काफी एफर्ट लगने वाले हैं, चाहेंगे कि रिश्ता ठीक करें वो, चाहे उनसे कुछ गलत हुआ है या आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या अगर आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आपके पर्सन काफी एफर्ट्स करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे। और जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो काफी डिसेंट हो, गुड लुकिंग हो और मेडिकल फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है, या मैरिज प्रपोजल के थ्रू ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या इन जनरल भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होगा। और यहाँ आए हैं नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं स्पेशली फरवरी के मंथ में। और वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो कोई पर्सन आपको अपने इमोशंस, अपना लव आपको ऑफर करने वाला है। जो सिंगल है उनके लिए डेफिनेटली कोई फ्रेंडशिप या कमिटमेंट जैसा कुछ रिलेशन आ रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप आपके लिए आने वाला है फरवरी के मंथ में। और ये पर्सन जो है वो काफी इमोशनल, काफी केयरिंग, लविंग और रोमांटिक पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए पर्सन आ रहे हैं और काफी
ये पर्सन जो है काफी क्रिएटिव है, खूबसूरत है और वहीं काफी भावुक इंसान है ये, और सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर, यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, इस तरह के पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खूबसूरत है और इस तरह के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनका साइन हो सकता है, यानी कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के ये पर्सन हो सकते हैं जो आपको फ्रेंडशिप ऑफर करें या आपसे कनेक्ट हों या रिलेशनशिप आपका इनसे स्टार्ट हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, पुरानी बीती बातों को भुलाकर वो आपको काफी प्यार ऑफर करने वाले हैं, काफी इमोशंस आपको दिखाने वाले हैं, काफी प्यार मोहब्बत उनकी तरफ से यहाँ दिख रही है, स्पेशली फरवरी के मिड में। और इसी तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन रहेंगे, कहीं ना कहीं रिकवरी के भी काफी चांसेस लग रहे हैं जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है या जैसा सेपरेशन वगैरह कुछ अगर आप देख रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए ठीक होती हुई दिख रही है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें फाइनल आउटकम के रूप में तो सिक्स ऑफ वॉन्स कार्ड आया है, तो विक्ट्री कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ, यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं, और ये विक्ट्री कार्ड माना जाता है। और कुछ लोग ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी एक्टिव पर्सन हैं, और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो काफी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत इनका नेम फेम हो सकता है इनके एरिया में। और यहाँ आपके पर्सन जो है वो सिचुएशंस का चार्ज लेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में रही है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आपके बीच में रही है, वो चीजें आपके लिए सॉल्व होती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, स्पेशली फरवरी के मिड और लास्ट तक तो आप बहुत रिलीफ अपने लिए फील कर पाएंगे, जो एनर्जीज है उससे काफी ट्रांसफॉर्म होंगे आप जेमिनी। और यहाँ औषजन कार्ड से अगर हम देखें तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो आप लोग लाइफ को काफी सेलिब्रेट करने वाले हैं, पार्टी फंक्शंस में आपका जाना हो सकता है या फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर में आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जैसे पर्सन आपको बताया गया है। और यहाँ ये भी लग रहा है कि आप काफी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, खुश रहेंगे, अपने कह सकते हैं कोई ऐसी खुशखबरी हो सकती है जिसे आप अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, इस तरह की एनर्जीज भी आपके लिए लग रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है सेपरेशन का, तो जेमिनी आप में से कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन फेस किया है और उसी वजह से कुछ जेमिनी काफी परेशान चल रहे हैं, काफी दुखी और निराश आप लोग लग रहे हैं। पर आपके लिए यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है गाइडेंस का, तो आपको गाइडेंस काफी अच्छी मिलेगी फरवरी के मंथ में और उसी गाइडेंस की वजह से आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। और जैसा आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस, तो जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें, यहाँ इस तरह की गाइडेंस आपको दी जा रही है, सब चीजें अपने आप सही टाइमिंग पे आपके लिए ठीक हो जाएगी। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ से जिस तरह से जुड़े हैं अभी तक उसी तरह से अपनी डे टू डे लाइफ को चलने दें और सिचुएशंस अपने आप ठीक होगी आपके लिए, ऐसा होगा। यहाँ फ्लावर्स काफी है तो बहुत जल्द आप अपने लिए सही टाइमिंग देखेंगे फरवरी के मंथ में। और नंबर 8 है तो जस्टिस होगा फ्रेंड्स आपके साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखें और गॉड पे फेथ रखें आप। और यहाँ कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जेमिनी आप में से काफी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड भी हैं, तो आपने काफी अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म होके आप आए हैं। कुछ लोगों ने एक एंडिंग को देखा है और कुछ लोगों ने बहुत सारी चुनौतियां देखने के बाद बहुत कुछ सीखा है और इसी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यहाँ नेक्स्ट एनर्जी आई है इंटीग्रेशन की, तो आप अपने सोलमेट से मिलें, इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं फरवरी के मंथ में, तो किसी तरह से आपका कनेक्शन उनसे बन सकता है या आपके सामने वो आए हैं, रिवील हो, इसके काफी चांसेस हैं। और यहाँ आपको काफी इंट्यूशंस भी आएंगे और उसको आपको सुनना है फरवरी के मंथ में, अपने इंट्यूशंस और गट फीलिंग्स को आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ ऑरेकल डेक से अगर हम कार्ड देखें तो बैड हेल्थ का कार्ड है, तो ये हो सकता है कि आप जिनके साथ कनेक्शन में आए, स्पेशली सिंगल्स के लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो नर्सिंग या डॉक्टर फील्ड से हों, काफी सेवाभावी हैं, काफी लोगों की मदद करते हैं, इस तरह के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं फरवरी के मंथ में। और 31 ईयर्स के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, या आप ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं या रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है थॉट्स का, तो जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट चल रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस है और आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको याद भी करते हैं या नहीं करते हैं, तो जी नहीं, आप उनकी थॉट्स में हमेशा हैं। और थॉट्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको काफी मिस कर रहे हैं, जिन लोगों का सेपरेशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है
और अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है तो आपके पर्सन की थॉट्स में आप डेफिनेटली हैं, और अगर आपका रिलेशनशिप ठीक भी चल रहा है तो आपके पर्सन काफी आपके लेकर सोचने विचारने वाले हैं, काफी डीप लेवल पे आपको लेकर सोच रहे हैं। और यहाँ 16 नंबर आया है तो ये उनका बर्थडे डेट हो सकता है, और 1+6=7 होता है, तो डिवाइनली गाइडेड है आपका रिश्ता। कुछ लोगों के पर्सन सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। और यहाँ आपके पर्सन की थॉट्स में आप काफी रहने वाले हैं फरवरी के मंथ में, काफी दिलो दिमाग पे आप ही का जादू चलने वाला है। और नेक्स्ट कार्ड आया है मेन मेल का, मेन मेल भी आपके लिए आ सकते हैं, और इनका नंबर 1 किसी तरह से आपके लिए सिग्निफिकेंस रखेगा। काफी वेल्दी फैमिली से हैं, बहुत अच्छा पैसा होगा इनके पास। पर्सन आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल के थ्रू आ सकते हैं, या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, और ये बहुत कह सकते हैं बड़े लेवल पे सक्सेसफुल पर्सन आपसे जुड़े हैं इस मंथ में स्पेशली, इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और ये एक जेंटलमैन होने वाले हैं जो आपसे जुड़ेंगे जर्नी, तो कुछ लोग ऐसे पर्सन से जर्नी के थ्रू मिल सकते हैं, यानी जहां आप रहते हैं वहां से ये पर्सन नहीं है, और किसी तरह से आपके लिए लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है और वो आपको एक कम्प्लीशन की तरफ लेके जाएगी। नंबर 10 आया है तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट करके आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में तो आपके पर्सन आप तक जर्नी करके आए या आप उन तक जर्नी करके जाएं, इसकी भी काफी यहाँ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है डिस्टेंस ओरिजिन का, तो डेफिनेटली जेमिनी आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन किसी अदर स्टेट से हैं, सिटी से हैं, कुछ लोगों का कंट्री भी चेंज हो सकता है, पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप उनके लिए एक एंकर भी हैं, यानी वो चाहे कहीं भी रहें पर आप उनके लिए वो एंकर हैं जिस पे आकर वो रुकते हैं। और 36 नंबर है यहाँ, तो ये उनका एज हो सकता है, और 3+6=9 है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस स्टेबल रिलेशन का सोच रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं पर वो आपको लेकर काफी सोचते हुए दिख रहे हैं और एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके लिए चाह रहे हैं। स्पेशली फरवरी में उनके थॉट्स इसी तरह के रहेंगे। और मेन फीमेल का कार्ड आया है, आप देख रहे हैं मेन मेल एंड मेन फीमेल, तो कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, और जो बॉयज देख रहे हैं उनके लिए मेन फीमेल आ सकती हैं, और कोई आपको प्रपोज करे फरवरी के मंथ में इसके काफी चांसेस लग रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो इसकी काफी पॉसिबिलिटीज है कि कोई आपको प्रपोज करने की सोच रहा है, और ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपकी ब्यूटी और ब्रेन से काफी इम्प्रेस लग रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक मेन फीमेल बनकर रहें। और अगर वो एक लड़की हैं तो वो चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में एक मेन फीमेल बनकर रहें, और अगर आप एक लड़के हैं तो वो आपको एक मेन मेल की तरह देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है, और एक कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपके लिए आ रहा है, और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसा लग रहा है फरवरी का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। कोई नेगेटिव कार्ड्स आपके लिए नहीं आए हैं जेमिनी, और यहाँ फेरी ओरेकल डेक से कार्ड आया है बिलीव इन मैजिक, और यहाँ आपको कहा गया है कि आप गॉड पे फेथ रखें, और जो चीजें आपके साथ गलत हुई है वो अपने आप ठीक होगी, बस थोड़ा सा आपको विश्वास करना होगा यूनिवर्स के प्रोसीजर को, और ट्रस्ट करें यूनिवर्स के प्रोसीजर को, डिवाइन टाइमिंग को, आपके लिए सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा, इस तरह का मैसेज है। और नेक्स्ट कार्ड आया है डिवेंशन का, तो अपनी जो भी प्रेयर्स है, मैनिफेस्टेशन है, उसे आप जारी रखें, आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है और कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है जो काफी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका रिलीजन कोई भी हो, तो भगवान से, गॉड से अपना फेथ बनाए रखें, और जो भी आपकी दुआ, प्रेयर है, प्रार्थना है, उसे आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें, क्योंकि उसी वजह से आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल होने वाली है। लाइफ में आपका रिलीजन, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आपको बहुत कुछ दिलवाने वाला है, स्पेशली फरवरी के मंथ में, तो आप अपनी दुआएं कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है प्योर इंटेंशन का, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो आपके पवित्र उद्देश्य हैं दूसरों को लेकर, या कहें कि आपके पर्सन को लेकर आपके जो प्योर इंटेंशंस हैं उसको आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं गॉड तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है। अगर आप ईमानदारी से पूरा रिश्ता निभा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप अपने लिए उस रिश्ते में सक्सेस देखेंगे, चाहे नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, या ब्रेकअप है, तो आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए हो सकेगा, बस आप अपने इंटेंशंस को इसी तरह से प्योर रखें, और आपकी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है वो आपको बहुत कुछ दिलवाएगी फरवरी के मंथ में, इस तरह का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ आपके कुछ प्रेयर्स डेफिनेटली आंसर होते हुए दिख रही है, वहीं हम देख रहे हैं
उनका अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है और उनके जॉडिक साइन क्या हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट हों। फर्स्ट हम उनका अल्फ़ाबेट देखें जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ओ नाम से हो सकता है, उनका नाम जे नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम जो आपसे कनेक्शन में आए। जेड नाम से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, एच, और कुछ लोगों के लिए वी नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम। और अगर उनका जॉडिक साइन देखें, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, वृषभ राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लियो हो सकते हैं सिंह राशि के, और कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस भी आपके लिए आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए पाइसिस भी आपके पर्सन हो सकते हैं यानी मीन राशि के। और आपके पर्सन फरवरी के मंथ में आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम देख रहे हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि आपने उनका दिल क्यों तोड़ा। और आई लव यू एंड आई एम मेकिंग प्लान फॉर अस, जी वो आपको बहुत चाहते हैं और आपसे आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। आई ऑलवेज हेट हाउ मच आई लव यू, ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, जी आपके पर्सन आपसे माफी मांग रहे हैं। और यू मेक मी फील लाइक आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, जी यू आर माई एवरीथिंग माई लव, जी आप उनके लिए सब कुछ हैं। और आई हैव सेल्फ इस्टीम इशूज, सॉरी इफ देट इंटरफियर्स विथ माई एक्शंस, जी आपके पर्सन ऐसा भी आपको मैसेज दे रहे हैं। और यू विल ऑलवेज हैव ए स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एंड यू नो दैट, जी आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में, इसी तरह का मैसेज है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।